नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने वीडियो के व्यूअर कैसे बढ़ाएं और चैनल के सब्सक्राइबरों को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद हमें यूट्यूब साइट पर चलना है। तो मैंने यहाँ पे youtube.com टाइप कर दिया है। चलो इसको ओपन करते हैं। कि यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो गया है। उसके बाद चलते, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद चलते हैं अपने चैनल के आइकॉन पे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमें चलना है क्रिएटर स्टूडियो पे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएटर स्टूडियो पे। क्रिएटर स्टूडियो में ओपन हो रहा है। उसके बाद हमें चलना है दोस्तों अपने चैनल पे। चैनल पे चलने के बाद में हमारा ओपन हो गया चैनल। उसके बाद हमें करना है सेटिंग अपलोड के डिफ़ॉल्ट। प्राइवेसी में अपने पब्लिक ही रहने दीजिए। कैटेगरी को आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। मैंने पीपल एंड ब्लॉग को कर रखा है। क्रिएटिव कॉमन एथोराइजेशन में इसको रहने दीजिए लाइसेंस को। टाइटल जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल के व्यूअर कैसे बढ़ाएं, तो आपको वही लिखना है। लिख के बताता हूँ आपको। यूट्यूब चैनल के व्यूज कैसे बढ़ाएं। उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपने जिस तरह का वीडियो बनाया है या जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, उसके बारे में कम से कम आपको 50 शब्दों में डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं लिखा है आपको बताने के लिए। आप समझ गए होंगे कि यहाँ कम से कम 50 शब्द या 50 वर्ड अपने को यूज करने होते हैं डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद बारी आती है टैग्स की। तो टैग्स में जो टैग हमें डालने हैं वही डालने हैं कि व्यूज कैसे बढ़ाएं। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कैप्शन क्रिएशन में आपको क्या लिखना है। दिस कंटेंट हैज नेवर अराइव्ड ऑन टेलीविजन इन द US। और इसको दोस्तों सेव कर लेना है। ऊपर ही ऊपर चलना है, हमें सेव पे क्लिक करना है। मैं सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों बारी आती है वीडियो को अपलोड करने की। वीडियो आपने जो बना रखी है पहले से, तो इस तीर के निशान पे क्लिक करनी है। लोडिंग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट फाइल टू अपलोड, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैं जाऊँगा।
डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया है। मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए एक मोबाइल अपने मोबाइल कैमरे से एक वीडियो बना रखी है, तो उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। अपलोडिंग हो रही है दोस्तों, 95 तक हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है। थोड़ा सा समय लगेगा, अब जो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसी के करने से आपके व्यूअर बढ़ते हैं और उसी से आपके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब व्यूअर बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर तो अपने आप ही बढ़ेंगे। अगर व्यूअर नहीं बढ़ेंगे, कोई देखेगा ही नहीं आपके वीडियो को, तो फिर सब्सक्राइब कौन करेगा? दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लगभग 50 शब्द लिखने होते हैं, एक अच्छा सा वीडियो टाइटल भी आपको देना होता है। जैसे मैंने ये दे रखा है, यूट्यूब चैनल के व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, अबाउट वीडियो में इसमें आपको कम से कम 50 शब्द लिखने हैं और कम से कम 10-12 टैग इस वीडियो को देने हैं। व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यूज कैसे मिलता है, इस तरह के कम से कम आपको 10-12 टैग करने होते हैं जो बिल्कुल ही आपके वीडियो से रिलेटिव होने चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि सलमान खान अक्षय कुमार लिख के आपने टैग कर दिया, ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है और आपको कॉपीराइट का क्लेम भी लग सकता है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है अपनी वीडियो के ऊपर जो एक अच्छी सी कस्टम थंबली बनाने का, यानी कि एक आप सभी वीडियो पे देखते ही हो कि एक अच्छी सी फ़ोटो जो लगी होती है वीडियो के ऊपर लगी होती है, मगर आपको वीडियो में वो नहीं मिलती, उसी से व्यूअर बढ़ते हैं। एक अच्छी सी कस्टम थंबली आपको बनानी पड़ेगी, इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, थंबली बनाने की बहुत सारी मिल जाएगी। मैंने अभी बनाई नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके बता रहा हूँ कि ये कस्टम थंबली यहाँ पर होगी। उसके बाद इस बटन को आप ऑन कर दीजिए, प्रीमियर को। इस प्रीमियर को ओपन करते ही जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनके पास एक साथ ईमेल चला जाएगा और सारे के सारे आपको इस वीडियो को देखने के लिए उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो YouTube में बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसे सभी लोग नहीं देख पाते, मगर जब पर्सनली ईमेल जाता है तो सब के सब देखने के लिए आते ही हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।